आप मुझे इन्फरेंट एनर्जी दीजिए मैं आपको कुछ भी दे दूंगा मैं यहीं बैठे बैठे आपको ब्लैक होल बना करके आपको उसमें डाल दूंगा आपका टाइम रुक जाएगा और आप शायद ब्रह्मांड के किसी और टाइम स्पेस में निकलेंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना कि मैथ खत्म हो गई बिकॉज कैलकुलेटर आ गया या चैट जीपी आने से लैंग्वेज खत्म हो जाएगी इमेजिनेशन इज इम्पॉर्टेंट वैल्यूज आर इमेंट हाउ पी जेलाम इन डॉम वॉज एबल टू इन्फ्यूज इन एवरी सिंगल टीम ही आइडिया डेट वॉट यू डूइंग

सो इन दिस एपिसोड हमने बहुत सारी ह्यूमन इवोल्यूशन से रिलेटेड मिस्ट्रीज के बारे में डार्क ट्रूथ ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड द माइंड बॉगलिंग पोटेंशियल ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग पर आई बी एम ऑलरेडी काम कर रहा है ये सब इन डेप्थ डिस्कस किया है ये मेरी लाइफ का सच में वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट एनलाइटिंग कन्वर्सेशन रहा है एंड ये आपको भी एक अलग ही दुनिया में लेकर चला जाएगा अ जर्नी ऑफ स्पेस ट्रैवल विच विल मेक यू क्वेश्चन द लिमिटेशन ऑफ योर ओन माइंड एंड पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ Finally, presenting you, the one of the richest episode filled with wit and a pinch of humor, with the founder and CEO of Homi Lab and Dr. Kalam Center, and also the former advisor of Honorable Dr. A.P.J. Abdul Kalam, one and only Mr. Srijan Pal Singh, only on the Rich, powered by Ideal Junior. वेलकम सर एच थैंक यू सो काफी क्वेश्चंस है साइंस से रिलेटेड तो बहुत कुछ है मेरे पास पूछने के लिए बट सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी अगर बुरा ना माने तो आपकी एज क्या है so 39 नाइन 39 थर्टी नाइन ईयर यू लुक सो यंग थैंक यू मैन इट्स अ गुड कॉम्प्लीमेंट आई नो दैट इट्स अ यूजफुल कॉम्प्लीमेंट बट देयर इज साइंस टू इट देयर इज अ साइंस टू इट एजिंग इज अ साइंस ऑफ कोर्स एजिंग डिपेंड्स ऑन वैरायटी ऑफ फैक्टर्स जैसे कुछ लोग आप देखिए कुछ सिविलाईजेशन में आ, उनके खान पान या उनके मौसम या उनके जेनेटिक्स की वजह से सम पीपल एज लोअर तो बहुत से ऐसी भारत में भी जगह है और विदेशों में भी ऐसी जगह है तो एजिंग डिफरेंटली फॉर डिफरेंट पीपल और इसका कारण ये होता है कि जापान के लोग बहुत लंबा भी जीते हैं जापान के लोग नब्बे अगर इफ यू आर अ जापानीज वुमन तो यू योर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक्सपेक्टेंसीयर्स और ये एवरेज है मतलब सैकड़ा मानना बहुत ईजी है वहाँ पे तो जैसे इटली में कुछ आइलैंड है सी सी ली एन आइलैंड ग्रीस के पास है mm. इटली में भी एक आइलैंड है आ, वहां पर भी आपको जो है पीपल आर नोन टू लिव मच लॉन्गर एंड ऑफकोर्स स्ट्रेस इज वन ऑफ द फैक्टर्स बट सेलुलर लेवल पर भी देर आर टू रीजन्स फॉर विच यू कैन सो आपके हर एक सेल में फॉर इंस्टेंस सेल कैसे बनती है तो एक सेल है उसकी फोटो कॉपी बनाती है बॉडी mm. फिर इस फोटोकॉपी ये तो सेल डिस्ट्रॉय हो गई अब इस फोटोकॉपी की एक और फोटोकॉपी फिर फोटो की कितने दिनों तो 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 में बदलती है करता है कौन से ऑर्गेन है सो फॉर एग्जाम्पल आपका जो आ, आते हैं आंतड़ियाँ वो लगभग हर दो हफ्ते में पूरी पूरी नई आ जाती है आ। आपका जो हार्ट है वो कुछ साल लगते हैं लेकिन आपको नया हार्ट मिल जाता है आपका स्केलेटन भी सात से दस साल के बीच में पूरा नया बन जाता है टूट करके पता ही नहीं चलता लेकिन ये ये नहीं बदलता दिमाग नहीं बदलता दिमाग एक जैसा ही दिमाग जैसा होता है न्यूरॉन्स रेप्लिकेट नहीं करते सो इट्स वेरी बाकी सारे सेल्स करते हैं तो हर सेल में देर तो आप कागज की कॉपी मान लीजिए बना रहे हैं अगर आप एक फोटो कॉपी से दूसरी फोटो कॉपी बनाएंगे तो धुंधला होता जाएगा हाँ। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप पढ़ ही नहीं पाएंगे कि क्या लिखा ओरिजिनली तब वो सेल बेकार हो जाएगी तो कुछ लोगों का जो सेल का जो मार्जिन होता है एरर का जो मान लीजिए सेल के ऊपर एक मार्जिन है नीचे एक मार्जिन है फोटो कॉपी का कागज से आप कंपेयर कीजिए तो ऊपर मार्जिन नीचे मार्जिन बीच में टेक्स्ट टेस्ट जितना फोटोकॉपी आप करते जाएंगे करते जाएंगे ये टेक्स्ट ऊपर नीचे हो जाएगी और कुछ टेक्स्ट आपका लॉस्ट हो जाएगा तो वो सेल बेकार हो जाएगी वो पेपर बेकार हो जाएगा लेकिन अगर ये मार्जिन ज्यादा होगा जितना ज्यादा होगा उतना ही सेफ होगी सेल का रेप्लीकेशन इस मार्जिन को हम टेलोमर बोलते हैं और जितना बड़ा टेलोमर जिसका होगा जेनेटिकली भी हो सकता है वो कुछ प्रैक्टिस से भी हो सकता है हो सकता है मेडिटेशन खान पान इनसे आपका टेलोमर बढ़ता हो तो उन लोगों की एजिंग स्लोवर होती है टेलोमर टेलोमर ओके टी ई एल ओ एम आर टेलोमर और कुछ एक एंजाइम होता है टेलोम उससे इट इज नोन की टेलोमर बढ़ता है अब हमें किस खाने से मिलता है ये एक्जैक्टली exactly मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि हमें नहीं पता है लेकिन जैसे एंटी हैं हैं कुछ खाने ऐसे हम बोलते हैं कि इन खानों से एजिंग नहीं होती है या आदमी का हेल्दी रहता है एप्लीकेशन सेल का ठीक रहता है वो उन खानों की वजह से आ, उन खान की वजह से भी आपका जो टेलोमर है वो बढ़ सकता है दूसरी थ्योरी ये कि आपकी बॉडी में लगभग पच्चीस ट्रिलियन के करीब सेल है और करीब तीस ट्रिलियन से ज़्यादा उस सेल के अंदर लोग रह रहे हैं ज हाँ माइक्रो है, है है, ऑर्गेज है वही तो digest करते digest हैं करती, so जैसे हम वो प्रो, प्रो, पीते है ना चीजें है, 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 वो... तो वो, वो आपके जो माइक्रोबायोम है उसको बढ़ा देती है लेकिन माइक्रोबायोम में भी ये पाया गया है कि जो बच्चे का माइक्रोबायोम होता है और जो किसी वृद्ध व्यक्ति का होता है बिल्कुल बदल जाता है इसमें दूसरे तरह के लोग होते हैं इसमें दूसरे तरह के लोग रहते हैं जैसे किसी बिल्डिंग में अगर अच्छे किराएदार रहते हैं तो बिल्डिंग नहीं तोड़ते हैं लेकिन अगर बदमाश किराएदार होते हैं तो तोड़ डालते हैं तो बिल्डिंग खराब दिखने लगती है तो हमारे अंदर जो माइक्रोबायोम है उसको बदल करके भी हम अपनी जो एजिंग है उसको काफी हद तक रेगुलेट कर सकते हैं इसके ऊपर भी बहुत काम हो रहा है आने वाले समय में आप देखिएगा यही दो चीजों के ऊपर बहुत काम होने वाला है मेडिसिन साइंस विल कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म एक बार हम अपने माइक्रोबायोम के साथ रहना शुरू कर दें और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडियन शायद इसको बहुत

बट मुझे लगता है कि हमारा जो एंशंट ट्रेडिशनल सिस्टम था वो इस बात को समझ गया था और इसीलिए हमने ऐसी प्रथाएं बना दी अफकोर्स आप उसको वेस्टर्नाइज कर दिया गया आप उसको माइक्रोबायो बायो में बोलूंगा तो सुनने में अच्छा लगता है लेकिन बात वही थी प्रैक्टिसली अगर आप प्रैक्टिस के लेवल पे देखिए तो नतीजे वही निकलते मैंने देखा था कि चंद्रयान जब लैंड हुआ उसके बाद जब इंटरव्यूज हुए तो इसरो के जो प्रेसिडेंट है चेयरमैन है सोमनाथ जी उनका यह कहना था कि टाइम ट्रेवल के कंसेप्ट को और बहुत सारी चीज़ों को स्ट्रक्चर को हमने वेदों के अंदर ढूंढा है वेदों से मिले इसमें सच्चाई है है सही बात है। अगर और ये तो बात आज की नहीं है अब तो खैर चंद्रयान की वजह से सम्हा इंडिया का जो पुराना साइंटिफिक इंटेलिजेंस था हम उसको रीडिस्कवर कर रहे हैं हाँ। बट ऐसा नहीं है कि वो अभी लिखा गया है ऋग्वेद दुनिया की सबसे पुरानी किताब है जो आज भी चल रही है और आज भी वो सबसे ज्यादा रिलेवेंट किताबों में से एक है साइंस की दृष्टि से और ये बात वेस्टर्न एस्ट्रोनमर भी कह चुके हैं एस्ट्रोलॉजर्स नहीं एस्ट्रोनमर साइंट स्पेस साइंटिस्ट इस बात को बार बार कहते हैं कि ऋग्वेद में जो लिखी है बातें वो आज भी रेलिवेंट हो रही है आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूं एक ऋग्वेद में कॉन्सेप्ट और ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा ब्रह्म जो भगवान है ब्रह्मा एक आधे दिन ब्रह्मांड बनाते हैं और आधे दिन इसको नष्ट करते हैं तो आधा दिन लगता है ब्रह्मांड बनने में और आधा लगता है उसको नष्ट होने में और फिर ये साइकिल चलता रहता है जब तक साल भर चलता रहे एक दिन के अंदर वो ब्रह्मांड जी मना भी देता है और, और एक दिन जो ब्रह्मा का एक दिन है वो लगभग जो ब्रह्म आज हमारे ब्रह्मांड की एज है 13.8 बिलियन इयर्स उससे मेल खाती हुई एक नंबर है वो of of है बिलियंस ऑफ इयर्स का वो 15-20 बिलियन इयर्स को बोलते हैं कि एज ऑफ ब्रह्मा इतना होता है तो बिल्कुल एक्यूरेट है या नहीं है नहीं कह सकते लेकिन सबसे ज्यादा एक्यूरेट है कंपेयर टू तो एनीथिंग एल्स अगर आप बाइबल की बात करिए तो बाइबल कहती है छह साल में पूरा ब्रह्मांड बना और लेकिन ऋग्वेद कहती है कि ब्रह्मांड बनने में अरबों साल लगे और अरबों साल लगेंगे उसको नष्ट होने में और फिर वो दोबारा बनेगा और ये एंडलेस साइकिल है आज हम ये कहते हैं कि यूनिवर्स बनते हैं खत्म होते हैं फिर बन जाते हैं फिर खत्म हो जाते हैं और ऐसा करने में अरबों साल लगते हैं और ये बात ऋग्वेद में जो आज बीसी में लिखी हुई किताब है तीन हजार साल पुरानी किताब होगी आज भी वो बात रेलिवेंट है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं मुझे लगता है कि इंडियंस एक्सपीरियंशल लर्निंग से हमने बहुत कुछ सीखा है जिसको एक्सपेरिमेंटल हमारे पास अनुभव से बहुत कुछ सीखा। और जो वेस्ट ने सीखा वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट से सीखा। एक्सपेरिमेंट छोटे होता है, होता है। दो प्रकार की लर्निंग होती है एक्सपेरिमेंटल और एक्सपेरियंशल नाम से समझ आता है एक्सपेरिमेंटल हाँ। हाँ। मतलब मान लीजिए मुझे ये जानना है कि इस कप में क्या है ठीक है तो मैं क्या करूंगा मैं सब हटा दूंगा इस कप में एक टेलीस्कोप लगा दूंगा कुछ लगा दूंगा माइक्रोस्कोप लगा दूंगा चेक करूंगा

लेकिन हमारे अंदर एक लंबी सिविलाइजेशन हमारा सिविलाइजेशन कम से कम चार हजार साल थे? या उससे ज्यादा ही पुराना है अगर हम पांच हजार साल पहले तो हमारी गीता लिखी गी। गई हाँ अगर हम वेस्टर्न एस्टिमेट में भी, भी जाए और इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखें तो भी हम पांच हजार साल तो कम से कम है कम और हमने है। काफी एक्सपेरिमेंट उसमें किए हैं जो लॉन्ग लौ... जिसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट है हमारे पास क्योंकि हम डॉक्यूमेंट करते रहे इन सबको हमने उसको संस्कृत के श्लोक बना दिए हमने उसे वेद लिख दिए हमने उसको पुराणों में लिख करके आम आदमी को समझाने की कोशिश करी तो ये सारी चीजें हजारों साल में बनी और ये एक्सपेरिमेंटल नहीं है ये एक्सपीरियंसियल लर्निंग है और इसीलिए इंडियन जो ट्रेडिशनल लर्निंग है उसका कोई कंपटीशन नहीं है वेस्ट में क्योंकि वेस्ट तो क्या बोलता था कि धरती जो है पूरी ब्रह्मांड का सेंटर है ये तो 500 साल पहले तक बोलता था और अभी 200 साल पहले तक भी बोलता था लेकिन इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई थी इसके बारे में बताइए कि जो बंदा था जो देखिए जितनी भी उसने अपनी बात सो <laughs> so, एक इसमें दो तीन तथ्य पहले लेट्स लेडाउन पीसेस पहला ये था कि जो बाइबल है आ, उसमें ऐसा लिखा है और कई ऐसी जो इस टाइप की किताबों में लिखा है कि धरती जो है पूरे ब्रह्मांड का सेंटर है और सूरज धरती का चक्कर लगाता है बाकी सारे ग्रह भी धरती का ही चक्कर लगाते हैं तो हम बड़े एरोगेंट थे उसमें हमने सोच लिया कि धरती सबकी हर चीज का सेंटर होगी अब ये तो सच नहीं है ये तो हमें पता है अब ये बात साइंटिस्ट जो वेस्टर्न साइंटिस्ट थे उनको भी पता लगने लगी थी हमें तो पहले ही पता थी हमें तो आर्यभट्ट के टाइम से पता था कि धरती सेंटर नहीं है नहीं। वो तो हो ही नहीं सकता धरती गोल है और कहीं किसी सूरज के अराउंड घूम रही है ये बात हमने करीब 600 जो एडी थी उसमें बोल दी थी लेकिन हम आते हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन पे जहां पर अगर आप कुछ भी ऐसा बोलते हैं जो बाइबल के खिलाफ जाएगी तो ये एक हेरेसी होगी ये एक ब्लास्पमी होगी और इसका दंड मृत्यु होता है और मृत्यु भी नॉर्मल नहीं वो जला जला करके पब्लिक स्क्वायर में जलाएंगे ऐसा करेंगे तो, तो ऐसा करने वाले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ब्रूनो और ब्रूनो ने ऐसा बोल दिया कि धरती जो है ब्रह्मांड का सेंटर नहीं है और धरती शायद किसी का चक्कर लगा रही है तो ब्रूनो को जला दिया गया अब ये सब ने देखा उनमें से एक और व्यक्ति थे और ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हुआ उनमें से एक व्यक्ति बहुत ही फेमस एस्ट्रोनमर थे लेकिन अगर ये बात मैंने बोली तो क्या होगा जला दिया जला देंगे तो उसने ये बात लिख दी और उसने कहा कि ये किताब अभी रख देते हैं अलग जब मैं मर जाऊंगा तब इस किताब को लोग पढ़ लें ताकि मैं अपनी जिंदगी जी लेता हूँ क्योंकि जला डालेंगे

तो ये धरती का चक्कर तो नहीं लगा रहे ना तो ये बात उन्होंने बोल दी अब फिर से ये हो गया कि आपने तो बाइबल के खिलाफ बोल दिया आपको भी जलाएंगे हम लेकिन आप थोड़े अमीर और वैसे व्यक्ति हैं जिसका थोड़ा रुतबा है तो आप एक काम करिए आप जो है ना रिकैंड कर लीजिए रिकैंड मतलब आप पोलिजाइज तो कर लीजिए लीजिए मैं तो मेरे नो तो अंदर मेरे वह शैतान आ गया था और इसलिए मेरे मुंह से निकल गया तो रिकैंटेड अब जला देंगे क्या करें जलना है या सॉरी बोलना है तो सॉरी बोल दिया वो बड़ी फेमस पेंटिंग है

रिलीजन स्टैंडिंग बोलता है आप जाइए एक आम नागरिक जाएगा और चैलेंज कर देगा शास्त्रार्थ होगा अगर आपकी बात सही है तो आपकी बात मान ली जाएगी और मेरी बात गलत साबित हो जाएगी साइंटिफिक और उसका प्रमाण यह है कि दक्षिणा में हमने यूनिवर्सिटी बनाई इसके बारे में बात करने वाला था पूछने वाला था नालंदा है तीन महीने लगे थे इसको जलने में नहीं सालों लगे थे

लैंग्वेज कितनी अलग अलग होंगी कितनी लैंग्वेज प्रोसेसिंग लैब्स होंगी वहां पे कितनी अलग क्योंकि कोई चाइना से आ रहा है कोई कहीं कोई मिलईस्ट से आ रहा है सब सीख रहे हैं वहां पर और क्या क्या दिया नालंदा ने आर्यभट्ट जैसे लोगों को दिया ब्रह्मगुप्त को दिया कैसी कैसी थ्योरीज दी जेरो का जो वो बच हुई बच वो वहां से हुई जो ये हुआ जो हिल्यू सेंट्रिसिटी की धरती केंद्र नहीं है सूरज है सूरज का चक्कर लगा रही है धरती ये यहाँ से हुआ धरती गोल है इसके बारे में भी हमने वहीं पर अध्ययन किया सबसे पहले हमने यह अध्ययन किया कि एटम क्या होते हैं

और ये कह दिया ये तो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये दिस इज़ हाउ यू कंट्रोल द माइंड ऑफ द पीपल इंडिया में बहुत सारे जो आइडियाज हमें लगता है कि बहुत ये हमारे साथ हम मान लेते हैं कि ये तो हमारे आइडियाज हैं हम ऐसे ही थे हमारे साथ यही प्रॉब्लम्स थी ये सारी प्रॉब्लम्स तो हमारे दिमाग में डाल दी गई है कि हमारे यहाँ ऐसी चीज़ें थी और सम हाउ अफगान इन्वेडर्स या ब्रिटिश इन्वेडर्स इन सब ने मिलकर के हमें एक अच्छी सोसाइटी बना दिया और ये मेकॉलिज्म जिसको बोलते हैं मेकॉले

वो ज्यादा अच्छा है वेद कुछ नहीं है अच्छा। ये बात ये बात उस आदमी ने बनाई जिसने हमारा एजुकेशन सिस्टम सिस्टम डिजाइन उसने हमारा सिस्टम डिजाइन किया तो अठारह की पहला जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध था वो सिपाही म्यूटनी बन गया क्यों म्यूटनी हम मैंने खुद पढ़ा म्यूटनी सिपाही म्यूटनी कैसे है सिपाहियों की म्यूटनी थी उसमें रानी लक्ष्मी बाई तात्या टोपे इतने बड़े बड़े हमारे वीर लोग जो जिन्होंने लड़ी हुई लड़ाई उसको हम एक म्यूटनी बना देते हैं वो तो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई थी ये शब्द तो अंग्रेजों के हैं और उन अंग्रेज़ी कुछ शब्दों को हमने उठा करके डाल दिया कि तो जो है लॉर्ड बेनेटिक बन गए बहुत महान। और जहांगीर ड्रिंकिंग खुद बीमार हो चुके थे इतने अच्छा। ज्यादा तो ये ब्रिटिश आए और ब्रिटिश ने उनको बेकूफ बनाया तो देर वॉज अल्ड थॉमस रो केम टू इंडिया जहांगीर के कोर्ट में एंड लिटरली सोल्ड इंडिया उनको उन्होंने एक नई प्रकार की द्रव्य दिया अब वो बियर था जो भी नाम था जैसे भी बनता होगा और वहीं से जहांगीर मेड द मिस्टेक ऑफ गिविंग डाउन एज अ फोर्ट जो उन्होंने बनाया औरंगजेब वॉज नॉट somebody who was ऑस्टर मैंने किताब में पढ़ा था औरंगजेब ऑस्टर औरंगजेब ने देश को खंडित करके छोड़ दिया उससे पहले सारी भारत में हिंदू मुस्लिम को लेकर के जो जो डिविजन्स थे वो बिल्कुल भी नहीं थे एकता थी औरंगजेब ने हाँ जो ये सिस्टम चलाया कि इनका इनका ये पूजा का स्थान तोड़ दो इस, इसी पत्थर से मैं कुछ और बना दूंगा ये कर दूंगा उसको तोड़ दूंगा उसको फोड़ दूंगा मैं Uh, सिखों से भी लड़ूंगा मैं शिवाजी से भी लड़ूंगा मैं सबसे लड़ता रहूंगा ये जो सिस्टम है ये तो वॉज नॉट इज ब्रोक इंडिया टू पीसेस औरंगजेब के बाद तो भारत कभी रिवाइव नहीं, नहीं, नहीं कर पाया एक देश की तरह नहीं खड़ा हो पाया उसके बाद हमें तीन साल लगे उसके बाद एक देश की तरह खड़ा होने में तो आई थिंक आर हिस्ट्री वॉज मेनिपुलेटेड बाई पीपल लाइक मकॉले टू ग्लोरिफाई दोज पीपल हु हार्मस एंड टू कम्पलीटली अंडरमाइंड ग्रेट थिंग्स फॉर इंडिया

और इसको बनाने वाले लोग जो है बहुत ही कम लोग थे और ये सिर्फ अपने परिवार में बताते थे एक तरह का IPR था। ना जो रोम के जो धक बड़े कितनी पिक्चर बनी है ग्लैडिएटर कितनी सारी मूवीज बनी है उनके हथियार भारत के डेमेस्किस स्टील यानी डेमेस्क स्टील यानी कि वुड स्टील यानी कि तमिलनाडु के स्टील से इसके बारे में मुझे स्कूल में पढ़ाया क्यों नहीं गया आई डोंट गेट इट मुझे क्यों नहीं पढ़ाया गया इसके Macauland बारे में? डिजाइन किया ना मैं कॉलेज डिजाइन किया और हमने कॉपी कर लिया हमारी गलती ये थी कि हमने कॉपी कर लिया इसलिए इट्स ग्रेट थिंग टू एक्चुअली लेट्स गेट रियल एंड टॉक अबाउट व्हाट इंडिया डन मुझे है। याद आया एक एक वीडियो भी बनाई थी मैंने ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से एक मिलियन जा चुकी है, वो वीडियो, इंडियन एजुकेशन सिस्टम के है।, है। पूरा स्क्रैच से बताया हुआ है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम आज के टाइम पे अगर हम इतने एजुकेटेड होने के बावजूद नहीं स्टैंड कर पा रहे मार्केट के अंदर कॉर्पोरेट की डिमांड कुछ और हम प्रोड्यूस कुछ और कर रहे हैं तो वाई इज दैट सो अच्छा ये बताइए सर एक्सपेरिमेंट्स जितने भी हुए हैं और जितने भी इन्वेंशन हुए डिस्कवरीज हुई हैं इसमें कॉस्मिक इफेक्ट कितना लगता है आपको जैसे अभी हम पेनिसिलिन के बारे में बात कर रहे थे कॉस्मिक कॉस्मिकॉड्स ग्रेस बाय मतलब कुछ स्पिरिचुअल हाँ मतलब आप आप influence. उसको गॉड्स ग्रेस बोलिए मैं उसको क्वांटम क्वान्टलमेंट बोलता हूँ अलग अलग शब्द हैं बट पॉइंट ये है कि बहुत सारी चीजें ब्रह्मांड में स्पेस और टाइम जो है ना एक फैब्रिक है तो हमें लगता है कि टाइम सिर्फ आगे जा रहा है बट ये सच नहीं है टाइम पीछे भी जा सकता है टाइम रुक भी सकता है अगर आप लाइट की स्पीड से जाइए टाइम रुक जाएगा आप अगर ब्लैक होल का ब्रह्मांड का आप एक, आप इमेजिन करिए एक चादर है बड़ी सी चादर है ठीक है और उसमें स्पेस और टाइम है अगर आप इसमें कुछ बॉल डालेंगे तो क्या होगा चादर से झुक जाएगी अगर आप बहुत भारी बॉल डालेंगे तो क्या होगा चादर फट जाएगी तो ये जो स्पेस टाइम में रिप आएगा इससे आप कहीं भी और जा सकते हैं स्पेस और टाइम में ये जो ये रिप आता है ये ब्लैक होल से आता है इसलिए ब्लैक होल इतने फैसिनेटिंग होते हैं क्योंकि ब्लैक होल में बहुत सारा मास है छोटी सी जगह पे छोटी सी बॉल में बड़ा सा वजन ट्रिप कर सकती है इसलिए जो हम सोचते हैं कि जो चीजें होती हैं क्या उसका कुछ पर्पज होता है क्या जो चीजें होने वाली हैं क्या वो ऑलरेडी हो चुकी हैं या क्या जो हम यहां कर रहे हैं उससे कुछ और इफेक्ट हो रहा है कहीं और कहीं और या कहीं और जो हो रहा है उससे हमें इफेक्ट हो रहा है क्वांटम इंटेंगलमेंट इसके कंप्यूटर बन रहे हैं आज क्वांटम कंप्यूटर्स आज से पांच साल बाद आपको क्वांटम कंप्यूटर्स कमर्शियली दिखने शुरू हो जाएंगे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में आई बी एम इज ऑलरेडी बिल्डिंग वन ये क्वांटम येमेंट पर आधारित है तो हो सकता है कि इज क्वांटम हु राइट और अगर हम कुछ ऐसे लें तो ऐसे बहुत सारे जो दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी जो चीजें हुई हैं उनमें कहीं ना कहीं चांस का रोल था और जिन्होंने उनको डिस्कवर किया वो इंटेंशन नहीं था उनका उनके हाथ से ये चीज हो, हो गई बाई चांस हो गई बाई चांस हो गई और सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल जो मुझे इसमें लगता है वो है एलेक्सेंडर फ्लेमिंग और पेंसिलिन पेंसिलिन ने आपको मुझको और सबको जो देख रहे हैं ऑन एन एवरेज लगभग तीस साल एक्स्ट्रा दिए हैं जीने के लिए नहीं तो दांत में हल्का सा इंफेक्शन होता था आदमी मर जाता था उसी से हल्का सा कट लगा आपके पास एंटीबायोटिक्स ही नहीं है वो तो सेप्टिक हो जाएगा मर जाते थे लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में से कम था वो एज का रेशो करेक्ट हाँ उन्नीस अगर आप उन्नीस सौ में पैदा होते हैं तो आपकी औसत आयु थी बत्तीस साल

पेंसिलिन जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इन्वेंट कैसे करी ये भी एक चांस है तो वो फ्रस्ट्रेट हो गए थे ही वॉज अ फेल्ड साइंटिस्ट उनको समझ में नहीं आता कि आप तो मतलब मेरी लाइफ में कुछ हो नहीं पा रहा है एंड ही ट्राइंग टू डिस्कवर कि uh, कुछ मेडिसिन कैसे हम बना सकते हैं अगेंस्ट ये जो इन्फेक्शन होते हैं तो ही जस्ट अप और वो छुट्टी भी चले गए खिड़की खुली रह गई hmm. हवा का झोंका आया तीन चार दिन चले गए थे वो खिड़की खुली रह गई हवा का झोंका आया और वो जो जिसमें पेंसिलिन रखी थी वो गिर गई उस पेट्री डिश पर जिसपे इन्होंने अपने बैक्टीरिया रख रखे थे और वो मर गए जब वापस आए तो देखा पूरी लैब तहस नहस सब मर गए जितने बैक्टीरिया जितने साम्पल से सब मरे पड़े देन ही रियलाइज मरे कैसे ये रातों रात तीन दिन हाँ। में ऐसा क्या हो गया हाँ। कि ये मर कैसे गए देन ही रियलाइज की ये जो हवा के झोंके से ये जो गिरा था पाउडर जैसा पदार्थ पेंसिलिन इसकी वजह से सब मर एंड दैट इज हाउ एंटीबायोटिक्स डिस्कवर्ड

रात उनको में हैं। किसी को पता ही नहीं था तो मेन्दली सो रहे थे और उनको लगा की सपने में ये ऐसे लिखता हूँ हाइड्रोजन यहाँ हिलियम अगर डाल दू मैं यहाँ पे अगर मैं लिथियम डाल दू फिर यहाँ पे मैं बोरॉन डाल दूर यहां पे एल्युमिनियम जितने नोन एलिमेंट्स हैं उनके दिमाग में वो ऐसे करके सीक्वेंस में आ गए होगा।, hmm. होगा तो एल्यूमिनियम के फैन ऑफ वेद और उन्होंने कहा वेद संस्कृत में है भारत की भाषा संस्कृत है और ये संस्कृत भारत आई नहीं कभी भी लेकिन फैन ऑफ इंडिया एंड इसलिए उन्होंने सब जो अननोन एलिमेंट्स थे उनके आगे एका द्वी, ये सब लगा दिया और ये पीरियोडिक टेबल बन गया ये पीरियोडिक टेबल की इमेज आप देख सकते हैं आप है ना और उसके बाद एक प्रोसेस शुरू हुआ कि अरे ये तो दस बारह एलिमेंट नहीं थे ये तो से ज्यादा एलिमेंट है और फिर रेस चालू हुई ये सारे जो मिसिंग एलिमेंट थे एक एलिमिनियम द्वीप एलिमिनियम जर्मेनियम बोरॉन ये सब बनने शुरू हो गए और हमारा पीरियोडिक टेबल कुछ साल में कंप्लीट हो गया हमने इतने सारे एलिमेंट्स दस बारह एलिमेंट से बढ़ करके हम सौ से ऊपर एलिमेंट्स हमने खोज डाले एक आदमी के सपने की वजह से इसलिए जो आप सपने देखते हैं ना थोड़ा सीरियसली ले, थोड़ा लो ले लिया <laughs> सपने सीरियसली लिया करिए और और हमेशा जो है एक पेंसिल कागज साथ ले करके सोया करिए ना जाने कौन सी कहानी आपके सपने में आ जाए जो बहुत दुनिया और इसलिए चांस कभी कभी होता है ना मुझे ऐसा लगता है कि जैसे लोग कहते हैं कि सोते सोते देख लिया नहीं लिखते भूल जाते सपने हम भूल जाते हैं जिसको पंद्रह बीस एलिमेंट पता होते हमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स नहीं पता होते हमें यूरेनियम प्लूटोनियम ये सब तो पता ही नहीं होता तो न्यूक्लियर फ्यूजन न्यूक्लियर फिशन इन सब की तो बात ही नहीं करते अगर एलेगजेंडर फ्लेमिंग आकर के ये नहीं देखते कि सब तहस नहस हो गया क्या करते चले जाते हैं छोड़ो कोई झाड़ू वाला आएगा साफ कर देगा मैं तो बर्बाद हो गया लेकिन ही कि मेरा जो विफलता है क्या उसके पीछे भी कोई चांस है एंड देन ही दैट सो कभी कभी आपके हाथ से बहुत बड़ा काम होना होता है आपका काम खुद का बिगड़ जाता है लेकिन क्योंकि आपके हाथ से और उससे भी कुछ बड़ा होने वाला होता है साइंस एंड आर कनेक्टेड यही तो मतलब हम हम जब स्परिचुअलिटी uh, में बात करते हैं धर्म में नहीं आता है बट अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो हम यही करते हैं हम सबका एक पर्पज है और वो पर्पज हमें यूनिवर्स पहुंचा देगा उस पर्पज तक बस आपको अपनी आंखें खुली रखनी है कान खुले रखने हैं चौकन्ना रहना है कि जो भी हो रहा है आपको बुरा दिखता है

बट कोई भी चीज जब उसके गैसियस फॉर्म में एक सुपर हॉट गैस की तरह निकलती है तो वो आग जैसे दिखती है हाँ। तो आग का केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं होता क्योंकि इज इज नो केमिकल फॉर आग आग बेसिकली अ स्टेट जिसमें आप किसी पदार्थ को जब आप सुपर हॉट कर देते हो और वो वो वेपराइज होने लगती है सुपर हॉट फॉर्म में तो इट बिकम्स आग जैसे अगर आप कैंडल जलाते हैं तो विक नहीं जलती है वो जलता क्या है जलता तो वो जो मोम का जो वेपराइज फॉर्म है वो गैसियस फॉर्म में दैट इज कैचिंग फायर तो इसलिए तो तो no मेरे फादर ने बचपन में मुझे बोला था कि बेटा लोग दुनिया कहते हैं कि भगवान नहीं है ठीक है भगवान नहीं दिखते भगवान तो वहां पे हवन में ही बैठा हुआ था मैं तो मेरे को बस दिखाते हुए कहते कि ये देख दिख रहे हैं हां। क्योंकि तस... इनका दुनिया में हर का बता दोगे तुम पर इनका बता दो आप सोचिए एक तो आ गया आ गया दूसरा ये कि है। है। में बहुत बड़ा बहुत इन्वेंशन है दूसरा यह कि किसी पत्थर को घिस करके इसको नुकीला बना सकते हो हाँ और वेपन की तरह की तरह यूज कर सकते हो खाना खा लो फिर खाना खा हाँ लो किसी को मार दो कुछ भी कर दो या डिफेंड कर लो अपने आप और तीसरा पहिया जिसने हमें घुमाना शुरू कर दिया चारों ओर आग इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है मुझे लगता है कि मानवता के इतिहास में आग से बड़ा कोई इन्वेंशन ही नहीं है क्योंकि वो इन्वेंशन नहीं था वो एक फियर था सारे जानवर डरते होंगे हम भी डरते होंगे सब जानवर जो आग को लगाते होंगे सबसे पहले क्या करते होंगे भागते होंगे hmm. जब जंगल में आग लगती होगी तो मौत का तांडव होता होगा hmm. लेकिन वो कौन सा इंसान होगा जो तो जा करके उस आग के पास जो सबको मार देती है जो सब भाग जाते हैं उसके बगल में खड़ा हुआ होगा उसने सोचा होगा कि गर्म तो है hmm. दर्द भी होता है hmm. मार भी देगी मुझे अगर मैं ज्यादा देर खड़ा रहा लेकिन मैं देखता हूं क्या होता है क्योंकि तब आग तो जंगल में लगी धुआं है ये है वो है उसने उसमें एक डंडी डाली होगी और उस डंडी में आग लगी होगी फिर उसने ऐसे करके देखा होगा अब तो कंट्रोल में आ गई आग अब इसको मैं कहीं और लगा के देखता हूँ क्या मैं किसी इसी से, से कुछ और जला सकता हूँ और है? फिर उसने सोचा होगा कि क्या मैं चिंगारी से आग निकाल सकता हूँ कैसे सोचा होगा कि एक ऐसी चीज जिससे सब लोगों को भय है जिससे मौत का तांडव पूरा पूरा जंगल साफ हो जाता है आप हम अपने उपयोग में लेके जाए उसको हम है? अपने उपयोग में ला सकते हैं फिर किसी ने सोचा होगा आप इस आग के क्या करें चलो जानवरों को डराते हैं फिर रात में दिखना भी शुरू हो गया आप उजाला भी आ जाता है आग के साथ उजाला भी है फिर किसी ने जाकर खाना बनाते हैं कच्चा खाते थे अब पकाएंगे अब कच्चा खाए तो उससे क्या होगा इन्फेक्शन कम हो गया प्लस जो लोग उनके दांत कमजोर थे बच्चे या बूढ़े लोग वो अब खा सकते थे खाना प्रिजर्व हो सकता था पका हुआ खाना जल्दी खराब नहीं होता अब आप खाना प्रिजर्व भी कर सकते थे सो एक आदमी का जो उस समय दुस्साहस लगा होगा और मूर्खता लगी होगी उस आदमी के साहस और क्यूरियोसिटी ने हमें दुनिया का सबसे खत्म हो जाते है अगर हम तो हमारे पास तो कुछ है ही नहीं नाखून नहीं होते दांत नहीं अच्छे हैं कूद नहीं पाते दौड़ नहीं पाते कुछ भी हमारे पूछ भी नहीं है बैलेंस भी खराब है और ऐसी स्पीशीज इस समय सबसे ऊपर कैसे बैठ गई बिकॉज ऑफ क्यूरियोसिटी वो क्यूरियोसिटी आग को समझने की दैट इज रिमार्केबल आई थिंक इज सो रिमार्केबल इसीलिए बोला जाता है कि जो इंसान दुनिया को पागल लगता है शायद वही इतिहास रच देता है ऐसा ही कर थोड़ा सा है। आपको पागल लगते हैं ऐसे लोग बिल्कुल लगता होगा जो आदमी आग के पास खड़ा होगा लोग कहते होंगे पागल है

तो आपके पास पकड़ने के लिए पांच चीजें हो गई तो हाथ दो पैर और एक पूछ, पूछ, पूछ होगी तो आप दो पैर पर पे नहीं दौड़ पाएंगे चार पैर के लिए बहुत अच्छा है ब्रांच में कूदना बहुत अच्छा है लेकिन पूछ को छोड़ना वॉज आर कंपल्जन बिकॉज हम अफ्रीका में रहते थे जो अब सहारा है सहारा डेजर्ट है उसके जस्ट नीचे रहते थे सब सहारन पहले वहां पर बहुत बड़े बड़े जंगल होते थे क्योंकि वहां पर बहुत जो क्लाइमेट था वो अलग था ड्राई नहीं था वेट था उसके बाद शायद ऐसा हुआ कि जो मेट्रेनियन सी है वो भरना शुरू हो गया पहले वो सी नहीं था अच्छा तो वो भरना शुरू हो गया वो जिब्राल्टर की स्ट्रेट खुल गई जो स्पेन और अफ्रीका के बीच में मेटेन भर गया अफ्रीका का क्लाइमेट बदल गया जो बड़े ऊंचे पहाड़ थे पहले ठंडा था फिर वेट और बड़े बड़े पेड़ थे तो हम उनमें कूदते थे जंगलों पर कूदते रहते थे पूछ थी हमारी बहुत यूजफुल था लेकिन अब जैसे ही ड्राई होना शुरू हुआ तो क्या हुआ पेड़ जाने शुरू हो गए ग्रास लैंड अब ग्रास लैंड पे एक बंदर एक शेर से भाग नहीं सकता तब वो तो क्या था हुआ? था खाने लगे ले लेकिन तब हमने दो पैर पे दौड़ना सीखा और तब दो पैर पे दौड़ने के लिए हमने दो चीजें करी पूछ हटाई और शरीर से बाल कम कर दिया ताकि क्योंकि दौड़ने से बहुत तेजी से एनर्जी जाती है तो शरीर को ठंडा रखने के लिए आपको बाल कम करने पड़ेंगे तो बाल कम किए तो ये सारी चीज़ें हमें त्यागनी बनी जो हमारी कोर स्ट्रेंथ थी क्योंकि अडेप्ट करना पड़ता है अगर हम अडेप्ट करते तो हम एक्सटिंक्ट हो जाते आज भी ए, ये बात आज भी सच है जो आदि मानव के टाइम सच थी अगर चेंज होगा इन्वायरमेंट में आपकी ज़िंदगी में तो आपको अडेप्ट करना पड़ेगा उसके लिए अगर आप उसको कहेंगे कि नहीं मैं तो अडेप्ट करूंगा जो मेरे पास है मैं पकड़ के बैठा रहूंगा तो आप एक्सटिंक्ट हो जाएंगे और हम हो जाते अगर हम अफ्रीका के जंगलों से करते नाइस हाँ जी तो मुझे पता है आपको बहुत मजा आ रहा है इस पॉडकास्ट को देखने में और आपको गुस्सा भी आएगा थोड़ा सा कि बीच में इंटरप्ट करने क्यों आ गया बट मैं आपका सिर्फ एक मिनट लूंगा और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो मुझे आपसे करनी है तो है क्या कि अगर आपको सीखने को मिल रहा है इन पॉडकास्ट से बाकी भी पॉडकास्ट आपने देखे आपको कुछ लर्निंग मिल रही है आपको अपनी लाइफ में थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है चीज़ों को आप सीख रहे हो तो एक छोटी सी मदद कर दो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसके बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते एक भी रुपया नहीं लगेगा आपका अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो इससे हमारी पूरी कम्युनिटी को ये फायदा होने वाला है कि हम और भी बड़े बड़े अच्छे अच्छे गेस्ट को अप्रोच कर सकते हैं उनको दिखा सकते हैं कि हमारा परिवार इतना बड़ा है इतने सारे लोग आपको सुनना चाहते हैं और वो बहुत आराम से बड़े बड़े गेस्ट भी हम इन्वाइट कर पाएंगे जिससे उनके एक्सपीरियंस से मुझे और आपको सबको सीखने को मिलने वाला है बहुत मजा आने वाला है टेक केयर वापिस चलते हैं पॉडकास्ट के ऊपर अर्थ के अलावा और कौन कौन से प्लान पे लगता है आपको कि

ऐसा नहीं है कि चंद्रमा कोई बहुत अच्छी जगह होगी रहने के लिए इट जस्ट डेजर्ट है समझ लीजिए एंटार्क्टिका में रहना है, और प्रेशर भी है आपको पूरा सूट पहन के रहना पड़ेगा लेकिन चंद्रमा वो बेहतर है चांद पे लेके जाएंगे बट कुछ लोग तो वहां रहेंगे क्योंकि ये सारी व्यवस्था बनानी होगी प्लस वहां पे बहुत सारा एनर्जी है जो हम जनरेट करेंगे

मंगल भी पहुंचे पहुंच हम इलॉन मस्क के हिसाब से अगर हम चले तो, तो हम दो के दशक में पहुंच जाएंगे बट अगर हम बाकी के एस्टिमेट से जाए नासा और दूसरों के टारगेट के हिसाब से दो तक हम इंसानों को मंगल ग्रह तक पहुंचा देंगे मस्क ने ये बात भी बोली थी ना कि न्यूक्लियर ब्लास्ट अगर हम करते हैं मार्स पे तो कुछ वो सही हो जाएगा रहने लायक क्लाइमेटिक सिर्फ इतने से ही नहीं हो जाएगा मार्स पे अगर हैबिटेशन करना है तो हमें छह सात स्टेप्स है मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ आपको पहला ये कि मार्स ठंडा है हमें उसे गर्म करना है तो गर्म करने के लिए क्या करना होगा हमें हमें उसको जो ब्लैंकेट है कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रीन हाउस गैस जिसको हम बोलते हैं अर्थ पे बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है धरती गर्म हो रही है हमें मार्स के मार्स में यही करना है हमें ग्रीन हाउस में कुछ ऐसा भी है ना कि ऊपर मतलब ठंड लगेगी और हाँ तो क्योंकि एटमोस्फेयर कम है ना तो तो चंद्रमा पे भी, भी होता है किसी हाँ। भी ग्रह पर जहाँ पर वायुमंडल का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है वहां पर आपको जैसे ही आप ऊपर उठेंगे सतह से आपका टेम्परेचर तेजी से घट बढ़ सकता है अच्छा। और जैसे आप नीचे जाएंगे धरती के उसके तो तेजी से घट भी सकता है तो ये चंद्रमा भी, भी होता है मार्स भी, भी होता है तो मार्स से जब न्यूक्लियर ब्लास्ट करेंगे तो क्या होगा कि मार्स में जो मिट्टी है इसको बोलते हैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा देगी मार्स का एटमॉस्फेरिक प्रेशर तीन चार परसेंट के करीब है अर्थ के मुकाबले हमें उसे पच्चीस गुना बढ़ाना होगा पच्चीस तीस गुना तब वो अर्थ जैसा दबाव आएगा वायुमंडल का नहीं तो अगर मैं ऐसे ही आपको मार्स पे या स्पेस में छोड़ दूं तो आप बलून की तरफ फट जाएंगे क्योंकि आपके अंदर ब्लड प्रेशर है बाहर नहीं है बैलेंस नहीं होगा तो so मार्स को हम गर्म करेंगे उसका प्रेशर बढ़ाएंगे फिर हमने पिछले पिछले के पिछले साल हमने मॉक्सी जनरेटर टेस्ट यूनिट हमने मार्स पे छोड़ा है वो मार्स पे है आज वो क्या करता है वो मार्स से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा उसको ऑक्सीजन बनाना शुरू कर देगा ऐसे हजारों डिवाइसेज हम लगा देंगे और जो मार्स में कार्बन डाइऑक्साइड है उससे कार्बन निकल जाएगा और ऑक्सीजन निकलनी शुरू हो जाएगी अब मार्स अर्थ जैसा बनने लगेगा फिर हम मार्स की पोलर आइस कैप्स है उसमें पानी है

स्पेशल अर्थवर्म्स पर्थ बनाने पड़ेंगे या कोई ऐसा केमिकल निकाल लेंगे लेकिन अभी एक अर्थवर्म बनाने की बात हो रही है जो उसको उपजाऊ बना देगा फिर वहाँ पे हम आलू टमाटर उगा सकते हैं तो क्योंकि ऑक्सीजन भी है कार्बन डाइऑक्साइड भी है सब कुछ है उसके बाद आखिरी स्टेप हमें यह करना होगा कि मार्स में मैग्नेट नहीं होती तो मार्स में मैग्नेटिक कवर डालने के लिए हमें मार्स के अराउंड बहुत सारे बड़े बड़े मैग्नेट सैटेलाइट में लगाने पड़ेंगे और फिर वो मार्स में मैग्नेटिक कवर आ जाएगा अगर हम ऐसे ही मार्स पे अभी खड़े हो जाएंगे तो आप समझ लीजिए ऐसा लगेगा जैसे आप माइक्रोवेव ओवन में खड़े हैं तो सन की माइक्रोवेव एक्सरे सीधे आती है और किसी भी लाइफ फॉर्म को डिस्ट्रॉय कर देंगी लेकिन अगर आप मैग्नेटिक कवर लगा दीजिए जैसे माइक्रोवेव में अगर आप लोहे का चम्मच डाल दीजिए तो उसमें चिंगारियाँ आती हैं उसको रेजिस्ट करती हैं उसी प्रकार से मार्स पर भी हमें मैग्नेटिक कवर लगाना पड़ेगा जब हम ये सब लगा देंगे तो मार्स रहने योग्य बन जाएगा और हम रहना शुरू कर देंगे अब ऐसा हम शुरू करेंगे ये प्रोसेस लगभग दो हजार तक मुझे लगता है कि उसके बाद दस पंद्रह साल और लगेंगे

एक कैमरा हमने भेजा था वॉयजर वन और वॉयजर टू नाम का ये धरती से जाता रहा जाता रहा इस समय इस और मंडल के बाहर है लेकिन नाइनटीज के दशक में एक बार आखिरी बैटरी का जोर लगा करके इसको अर्थ की तरफ एक सेल्फी ली अर्थ ने अपनी वो फोटो उसको बोलते हैं पेल ब्लू डॉट और सिर्फ एक डॉट दिखती है पिक्सल ब्लू कलर की उसमें ये नहीं दिखता कि देश कितने हैं धर्म कौन से हैं कौन सा इतिहास है कौन किससे लड़ता है किसके पास कितना पैसा है कुछ नहीं दिखता पर इतना दिखता है कि इस पूरे फोटो में बड़ी सी फोटो में एक पिक्सल है ब्लू कलर का जिसमें हमारा सारा इतिहास और सारा भविष्य है And that is why cosmos, अंतरिक्ष हमें एक करता है क्योंकि हम कलेक्टिव हैं छोटी सी एग्जिस्टेंस है अर्थ की छोटी सी हमारे सोलर सिस्टम की एज से एक डॉट बन जाती है बाद में तो पता नहीं कुछ नहीं दिखेगी आपकी पूरी जिंदगी एक ब्लिंक ऑफ एन आया है

पानी की टंकी में इतनी शक्ति है कि दिल्ली को पंद्रह मिनट तक चला सके फ्यूजन पावर के जरिए और कॉस्मोस इतना बड़ा है कि धरती एक छोटी सी डॉट दिखती है तो शक्ति भी है और साथ ही साथ आप छोटे भी हैं आपके एक एक सेल में डीएनए अगर वो डीएनए ऐसे से बना होता है ना अगर मैं इसको ऐसे खींच दू तो दो मीटर होता है और कितनी सेल्स थी ट्रिलियन ऑफ सेल्स अगर इनको एंड टू एंड लगा दू तो आप ये सोचिए कि आप इस सोलर सिस्टम के एंड नेपच्यून तक

और इतना सारा डेटा आप स्टोर करते हैं प्रोसेस करते हैं आपकी बॉडी भी चल जाती है इसी में कितनी एफिशिएंट क्रिएशन है की और कुछ नहीं है आपके अंदर खास आपके अंदर सबसे ज्यादा क्या है पानी पानी में सबसे ज्यादा क्या है हाइड्रोजन आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा क्या है हाइड्रोजन आपकी बॉडी में सेकेंड नंबर पर ऑक्सीजन है ब्रह्मांड में हीलियम है बट हीलियम इनर्ट है तो आपके अंदर आ नहीं सकती थर्ड नंबर पर ऑक्सीजन है अगर हीलियम हटा दीजिए तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन उसी ऑर्डर में वही कैल्सियम उसी ऑर्डर में कैल्सियम उसी ऑर्डर में कार्बन उसी ऑर्डर में यूनिवर्स है कहाँ ढूंढे बंदे मैं यू स्टोर एन एंटायर कॉस्मोस विद इन यू और आपकी बॉडी में जो पानी है और किसी भी पानी में लेकिन आपकी बॉडी में भी पानी है उसमें है, हर पानी में होता है एक हजार लीटर में, हाँ, एक, एक मीटर 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 में करीब तैतीस ग्राम ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम कब बना था जब ब्रह्मांड बना था आपके अंदर वो आज भी है सितारे टूटते हैं बनते हैं टूटते हैं है सितारे टूटते हैं तो डिपेंडिंग ऑन साइज ऑफ सितारा बहुत तेज विस्फोट हो सकता है और जो उसके अंदर अंश है हाइड्रोजन और हीलियम वो छिटक करके दूर तक जाते हैं उनसे नए सितारे बनते हैं उन नए सितारों से निकल करके उसी गैस हाइड्रोजन और हीलियम से प्लैनेट्स बनते हैं उसी प्लैनेट से ही आप बनते हैं तो न जाने कौन सा सितारा आसमान में है अंतरिक्ष में आज भी है जिससे आप निकल क्या क्या के आए हैं क्या मूवी में लेके गए हो आप मेरे को <laughs> सही रिलेटेड टू तो स्टार्स You you. are are made made of of. exactly what stars are made up of. The same thing has carried in मतलब, खुद सोचो जो आपने बोला ढाई लाख टेरा बाइट इन साइड यू मतलब और वो इतने से इतने से बल्ब के जितने, जितने जितना पावर वो खाता है उतने में आपकी बॉडी कंज्यूम कर रही है किसने क्रिएट किया

है ना ऐसा है और ऐसी रिलीजन इवॉल्व हो गई लेकिन साइंस क्या कहती है सत्य एक है लेकिन रास्ते कई हो सकते हैं रिजल्ट एक आएगा एक्सपेरिमेंट कई तरीके से कर सकते हो प्रोसेस कई हो सकते हैं प्रोडक्ट एक ही बनेगा व्हाट स्पिरिचुअलिटी कि हम सब सच के पीछे हैं शांति के पीछे हैं हम सब हमें बड़ों का आदर करना चाहिए ये कुछ वैल्यूज हैं बेसिक वैल्यूज हैं सारे रिलीजन यही कहती हैं लेकिन वो अपना रास्ता बता के ये कहने लगती है कि दूसरे का रास्ता गलत है मेरा सही है मेरा सही है लेकिन स्पिरिचुअलिटी थोड़ी ना है स्पिरिचुअलिटी तो ये कहती है कि रास्ते कई हो सकते हैं आप अपना रास्ता खुद खुद चुनो क्योंकि आप तो स्टार्ट डस्ट हो सो आपके आपका तो जो जो कॉस्मिक एजेंडा है वो एकदम अलग है मेरे से हमारा पर्पज एक हो सकता है लेकिन हमारे रास्ते अलग हो सकते हैं और मुझे आपके रास्ते की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी हो सकता है आपका रास्ता बेहतर भी हो मुझसे तो मैं आपका रास्ता सीख लूंगा क्या बात है ड्यूटोरियम के बारे में भी जान के बारे में कि चांद ड्यूटेरियम से पहले मैं आपको पड़ेगा मुझे हाइड्रोजन का एक आइटम लीजिए उसमें क्या होता है एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन बस छोटा सा अब ये है हाइड्रोजन इसमें अगर मैं एक न्यूट्रॉन ले न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता लेकिन उसका वेट प्रोटॉन के बराबर है

हीलियम का भी आइसोटोप होता है इसको हीलियम हीलियम बोलते हैं helium में दो प्रोटॉन होते हैं इसमें अगर आप एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन डाल दीजिए तो ये हीलियम बेसिकली so क्या होता है, है ड्यूटेरियम so is is जो है ऐसा माना जाता है कि ड्यूटोरियम ब्रह्मांड जब बना है उसके जस्ट अराउंड बना उसके बाद शायद ड्यूटोरियम नेचुरली नहीं बनता अनेचुर बना सकते हैं मैनमेड कर सकते हैं बहुत महंगा है मजे की बात यह है कि पानी में बहुत ड्यूटेरियम धरती में अब धरती में पानी कैसे आया ये मत पूछना शायद किसी कॉमेट से आया था हमारे पास पानी नहीं था टू विद अच्छा कोई चीज टकराई और हमारे अंदर पानी आ गया तो ये जो कॉमेट हमारे लिए पानी लाया या जैसे भी पानी आया ये साथ साथ लाया ड्यूटोरियम ड्यूटेरियम इतना है कि अगर आप एक मीटर बाय एक मीटर बाय एक मीटर का पानी ले लीजिए यानी एक हजार लीटर अगर आप ले लीजिए तो लगभग बत्तीस से तेतीस ग्राम ड्यूटेरियम होता है इसमें ना अगर हम सीख जाए कि इस ड्यूटेरियम को हम फ्यूजन करके हम कैसे बिजली बना सकें एनर्जी बना सकें जिसको फ्यूजन पावर बोलते हैं तो इस ड्यूटेरियम से आप बहुत बिजली बना सकते हैं इनफैक्ट अगर आप सारा ड्यूटेरियम ड्यूटेरियमकोर्स हम 100 हंड्रेड पे काम नहीं करेंगे लेकिन अगर हम 100 पे थ्योरेटिकली कर पाते तो एक पानी की टंकी छोटी वाली होती है एक, एक लीटर वाली उसमें इतनी एनर्जी है कि दिल्ली को दस से पंद्रह मिनट तक बिजली दे सकती है वो पूरी दिल्ली को तो आप सोचिए कि हर घर में इतना पानी की टंकी में इतनी एनर्जी है इस ग्लास इसका पानी में इतना एनर्जी है कि शायद आपके घर को कई घंटों तक ये चला सकती है द्वारका की टंकियां पूरा हिंदुस्तान चला दे लेकिन समुद्र में पानी कितना है हाँ। तो एक है तो 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 एक ये दिस इज वन दूसरा आपने बोला चंद्रमा चंद्रमा में हीलियम ही है डस्ट की तरह स्प्रेड आउट है बिलियन करीब किलोग्राम मतलब मिलियंस तो ऑफ टन ऑफ हीलियम थ्री चंद्रमा की सतह पर है इस हीलियम को भी आप फ्यूजन पावर में कन्वर्ट कर है। सकते हैं अगर आप इसको फ्यूजन कर पाए तो चंद्रमा पे जितना हीलियम है उससे आज की डेट से अगर हम देखें तो लगभग पैंतालीस से चालीस हजार साल तक धरती की बिजली की सप्लाई हम कर सकते हैं 40, साल तक इतना इसीलिए चंद्रमा पे जा रहे हैं दिस इज द रीजन वी नीड टू गो टू द मून और इसीलिए हम मून पे सारे देश आप देखिए दुनिया के जाने इसलिए शुरू हो गए क्योंकि यहाँ पे हिलियम थ्री हो सकती है और है ये तो पता है हमें अब उसको कन्वर्ट करना है अब क्या हो गया है कि ये जो प्रोसेस मैंने आपको बोला इसको क्या बोलते हैं फ्यूजन फ्यूजन पावर हाइड्रोजन बॉम्ब आपने सुना होगा हाँ। लेकिन हाइड्रोजन बॉम्ब अनकंट्रोल्ड होता है इसको अगर हम कंट्रोल कर पाए तो हम फ्यूजन टेक्नोलॉजी में माहिर बन जाएंगे और पिछले दो साल में इसमें बहुत काम हुआ है यूएस में भी और जापान में भी जैसे ही हम अगले दस साल में इसको माहिर बन जाएंगे फ्यूजन पावर को कंट्रोल करने में हम समुद्र मंथन कर सकते हैं लिटरली हम समुद्र से एनर्जी निकाल सकते हैं फ्यूजन पावर से अभी तक हम कैसे निकालते हैं मरे हुए पेड़ और मरे हुए जानवर पेट्रोलियम और कोल फॉसिल फॉसिल फ्यूल्स हम नाम ही उसका फॉसिल फॉसिल फ्यूल से चलने वाली प्रजाति तो हम जंप करेंगे उस एनर्जी को यूज करेंगे जिससे सूरज चलता है इज ट्रूली और सूरज के थोड़े से अंश को हम सोलर पावर बनाते हैं uh -huh. लेकिन ये जो एनर्जी जो मेन फैक्ट्री है हम वैसा एनर्जी जनरेट कर पाएंगे जब हम फ्यूजन पावर को मास्टर करेंगे ये लगता है आपको हो पाएगा ये कब तक तो हो जाता है दस पंद्रह साल में हो जाएगा देखिए दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इन्फिनाइट एनर्जी आप मुझे इन्फिनाइट एनर्जी दीजिए मैं आपको कुछ भी दे दूंगा इज इक्वल टू एम सी स्क्र एनर्जी टू मास है तो मैं ब्लैक होल बना सकता हूँ अगर थ्योरेटिकली अगर मेरे को इफिनइट एनर्जी मिल जाए तो मैं यहीं बैठे बैठे आपको ब्लैक होल बना करके आपको उसमें डाल दूंगा आपका टाइम रुक जाएगा और आप शायद ब्रह्मांड के किसी और टाइम स्पेस में निकलेंगे मतलब आपका समय भी बदल जाएगा आपकी जगह भी बदल जाएगी अफकोर्स आपको सर्वाइवल वुड बी डिफिकल्ट बट वो भी निकाल लेंगे हम कोई तरीका उसके लिए भी एंटी ग्रेविटी पार्टिकल्स होते हैं वो बनाएंगे हम तब

उसके अंदर बर्फ की मोटी सी एक किलोमीटर की लेयर है उसके नीचे पानी ही पानी है oh. टाइटन जिसमें थैनोस रहता है ना, थैनोस। टाइटन में जो रिवर्स है वो मीथेन के हैं, और जो सतह है वो आइस की है सो so, हमारे अपने सौर मंडल में बहुत जगह पानी है वीनस इज कवर्ड विद वाटर वेपर मार्स इज गॉट पोलर आइस कैप्स सो पानी हर जगह पानी से हम फ्यूल निकाल पाए फ्यूजन पावर के जरिए ड्यूटेरियम के जरिए

और साइंस के अंदर भी जुपिटर आप बता रहे थे अभी तो इस पर थोड़ा सा बताएंगे कि जुपिटर का क्या रोल है गुरु बोलते हैं हिंदी में गुरु बृहस्पति बृहस्पति तो हमें बचाने में उनका क्या रोल है जुपिटर का हमारा सौर मंडल दो भागों में है इनर और आउटर इनर में सूरज से शुरू होता है बुद्ध शुक्र वीनस अर्थ और मंगल उसके बाद एक बहुत बड़ी सी एस्ट्रॉइड बेल्ट है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है इस पर हम बात कर सकते हैं इसमें एंटी मैटर है वो तो ड्यूटेरियन से भी ज्यादा अच्छा है बट कभी और बात करेंगे इस एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाद एक बहुत बड़ा प्लान है जुपिटर फिर सैटन यूरेनस नेपच्यून और वो प्लान जिसको डिमोट कर दिया गया प्लूटो जुपिटर इतना बड़ा है कि बाकी सारे प्लेनेट को अगर मैं जोड़ दूं तो भी जुपिटर आधा भी नहीं भरेगा जुपिटर के ऊपर जो स्टॉम चल रहा है जिसको आग की तरह दिखता है वो रेड आई हुँ, हुँ. वो पृथ्वी से भी बड़ा स्टॉम है उसका एक स्टॉम पृथ्वी से बड़ा है और जुपिटर इतना बड़ा है कि अगर थोड़ा और बड़ा होता तो वो सूरज बन जाता बस कुछ नंबरों से रह गया नहीं तो डिस्टिंगशन मार देता वो <laughs> 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 so, अब क्या है कि जो बहुत सारे हैं 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 कॉमेट्स हैं, वो बहुत पूरे ब्रह्मांड से हमारे आसपास पास सोर, सौरमंडल में घूम रहे हैं चारों ओर हमारे सूरज से अट्रैक्ट होकर के ये कुछ ऐसे होते हैं जिनका जो डायरेक्शन है वो धरती की तरफ होता है लेकिन जुपिटर की ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि धरती तक वो आए इससे पहले जुपिटर को खींच करके नष्ट कर देता है तो जुपिटर इज एक्समली तीन बॉडी गार्ड है सबसे दूर जुपिटर है अधिकतर तो वो साफ कर देता है आने, नहीं, 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 देता देता है। आने नहीं देता किसी को मुसीबत आने से पहले समाप्त कर देता है दूसरा हमारा बॉडीगार्ड है हमारा मून चंद्रमा चंद्रमा की अगर आप पीठ देखिए जिसको डार्क साइड ऑफ द मून बोलते हैं जिसको आप कभी देखते नहीं है वो हम तभी देख पाए जब हम चंद्रमा के पार चले गए हाँ, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग था कि चंद्रमा हाँ। इसी तरीके से रोटेट और रिवॉल्व करता है है वो फेस है। फेस तो है। उसका जो धरती के अराउंड चक्कर लगाने का जो साइकिल है लगभग अट्ठाईस दिन उतने में वो रोटेट करता है तो अगर आप चंद्रमा का एक ही साइड आप हमेशा देखते हैं आप कभी चंद्रमा देखिए उसका वही साइड दिखता है वही छोटा बड़ा छोटा बड़ा होता है पर्दा खुलता बंद होता है लेकिन नजारा वही दिखता है लेकिन चंद्रमा का वो साइड तो अमेरिका वालों को तो दूसरा साइड दिखता होगा थोड़ा सा इधर का नहीं 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 दिखेगा <laughs> चंद्रमा तो ऐसे घूम के जाएगा ना आप धरती तो तो घूम रही है चंद्रमा हाँ। का तो आपको तो आप एक ही हाँ। साइड दिखेगा हाँ। लेकिन किसको दिखा था पहली बार चंद्रमा का दूसरा साइड जब 13, अपोलो थर्टीन अपोलो थर्टीन लैंड करने वाला था चंद्रमा पर बट उसकी मूवी बनी है अपोलो थर्टीन में कुछ मैल आ गया उसमें लीकेज हो गई ऑक्सीजन की तो वो चंद्रमा पे लैंड नहीं किए वो चंद्रमा के अराउंड जाकर आ गए तो उन्होंने फोटो खींच खींची पहली बार इंसान ने चंद्रमा का दूसरा साइड देखा किसी लाइव इंसान ने तो क्या देखा है उस फोटो में कि उस उस साइड पे अगर आप फोटो देखेंगे तो बहुत सारे क्रिएटर हैं छह है। ने चंद्रमा पे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा क्रेटर है तो गहरा उसमें माउंट एवरेस्ट पूरा घुस जाएगा ओ कितने बड़ बड़े बड़े क्रेटर है तो यानी कि ये जो उल्का पिंड आती है तेजी से इसका जो पहला तो बृहस्पति से जो बच गई वो निकल के आती है चंद्रमा पे टकराती है चंद्रमा बहुत बड़ा है लेकिन उसके पीछे के साइड ही लगता रहता है तो इसलिए हमें वो पीछे की घाव दिखते नहीं है

कॉकरोच बच गए मैमल्स बचे मैमल्स नीचे रहते थे धरती के क्योंकि डायनासोर तो रूलिंग द थे तो डायनासोर से बच करके हम लोग नीचे नीचे रहते थे हमारे जैसे लोग नहीं थे रोडेंट्स होंगे या कुछ दूसरे टाइप के जानवर होंगे और जब डायनासोर समाप्त हुए तो हम बाहर निकले तो डायनासोर समाप्त हुए लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ समाप्त हो गया डायनासोर का पूरा वंश समाप्त हो गया लेकिन कॉकरोचेस फॉर एग्जाम्पल तो बहुत ही रगड़ होते हैं कॉकरोच सिर्फ डायनासोर नहीं मल्टीपल समथिंग कॉल्ड मास एक्सटेंशन इवेंट्स धरती में ऐसे पांच छह चीजें कुछ चीजें ऐसी है जो चलती रहती है। हमारे बिजनेस में यही बोला जाता है कि बी आ, like like कुछ भी आएगा ऊपर नीचे ऊपर नीचे तुमको बस टिके रहना है ठीक है मरना नहीं है और इंडिया ट्रिलियंस ऑफ इकोनॉमी में जाएगी डॉलर्स ऑफ इकोनॉमी में जाएगी और तुम

और वो किसी उल्का पिंड पे सवार हो सकता है और तो किसी दूसरे ग्रह पे जा सकता क्या है और वहां पे निकल सकता है है क्या बात लाइफ 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 कैन ट्रांसपोर्ट इज वेरी वी डोंट नो हमारी कहां से आई हम मान सकते हैं कि सब कुछ धरती पे हुई है ये भी संभव है कि धरती पे कुछ गिरा और उसकी वजह से कुछ स्पीशीज आ गई यहाँ पर जो यहाँ पे अच्छा इन्वायरमेंट था तो चमक उठी हम भी हो सकते हैं उनमें से एक मेरा मन पता है क्या कर रहा है अभी

क्या उनको पता होगा कि वो एक वीडियो गेम में है और कोई और उनको कंट्रोल कर रहा है नहीं नहीं पता होगा तो अगर ऐसा है तो आपको कैसे पता होगा कि कोई और कंट्रोल कर रहा है तो इसलिए इसको कंजेक्चर करना बहुत ही मुश्किल है कि क्या ये सच है या नहीं है और अगर है तो जो हम जो हमें खेल रहे हैं जो प्लेयर है उसको कौन खेल रहा है और अगर ऐसा है तो अगर ऐसा है कि सिर्फ हम ही खेले जा रहे हैं और दूसरा हमें कोई खेल रहा है तो ऐसा क्यों है कि एक लेवल पे स्टॉप हो गया ऐसा क्यों नहीं कि उसको कोई और खेल रहा है उसको कोई और खेल रहा है उसको कोई और खेल रहा है और अल्टीमेटली कोई तो ऐसा टॉप पे बैठा होगा वो कौन है और क्या है? उसको बॉटम वाला खेल रहा है क्या ये सर्कल लूप खत्म होता है या नहीं होता है क्या हम सिमुलेशन थ्योरी में है या नहीं है uh, it's, it's हमने पचास हजार साल पहले आग कैसे जलती है ये सीखा हमने लिखना करी पंद्रह हजार साल पहले ड्राइंग ड्रॉइंग बनानी शुरू कर दी हमने पहिए का आविष्कार पांच छह हजार साल पहले किया हम चलने शुरू हो गए हमें ये बात पता लगी कि ब्रह्मांड जो है धरती के बियॉन्ड भी होता है ये शायद दो तीन हजार साल पहले चार हजार साल पहले पुरानी बात है हमें ये पता लगा कि कुछ जो है जो बारिश होती है वो कैसे होती है बिजली गिरती है कैसे लगती है तो कुछ हजार साल दो साल पुरानी बात है हमें यह पता लगा कि गैलेक्सी भी होती है कोई चीज़ और सौर मंडल के बाहर भी कुछ होता है ये तो सौ साल भी नहीं हुए अभी हमें वायरस पता लगा नब्बे साल पहले हम पहली बार किसी और धरती के बाहर गए अंतरिक्ष कक्षा में गए साठ सत्तर साल पहले मून पे हम गए साठ सत्तर साल पहले तो अभी हम बहुत नेसेंट हैं हमें लगता है कि हमने बहुत प्रोग्रेस कर ली है क्योंकि हम पीछे की ओर देख के देखते हैं आप आगे की ओर तो पता ही नहीं है ना आपको क्या है अननोन के आगे तो आपको पता ही नहीं है कि आगे क्या होगा बट अगर आप रेट ऑफ चेंज देखिए

तो आने, तो आने वाले वी आर वगैरह लॉन्च हो रहा है अल्टीमेटली तो कंपनी जिसको आप शायद उतना नहीं जानते हैं वो न्यूरल चिप बनाती है न्यूरल चिप लगा देंगे अल्टीमेटली आइडिया ये होगा कि हम डेटा ट्रांसफर कर सकें आपकी ह्यूमन ब्रेन में डिजिटल डेटा ट्रांसफर कर सकें और आपका बायोलॉजिकल डेटा बन जाए सो फॉर एग्जाम्पल अगेन थोड़ा सा मैं आपको पचास साल आगे की बात लेके चलता हूँ ऐसा होगा कि अगर आपको बेटे बीटेक इलेक्ट्रिकल करनी है तो आप चिप लगा लेना आपको सारी इलेक्ट्रिकल की नॉलेज मिल जाएगी आपको 50 और उसको डिजिटली ट्रांसफर कर देते हैं दूसरे रैट में इन दोनों का कोई संपर्क नहीं हुआ और फिर जो मेमोरी इसको दी गई थी कि ब्लू लाइट से इसको करंट लगता था डरता तो था हाँ, तो ये, ये भी ब्लू लाइट से डरने लगा बिना इसके कुछ दिखाए बिना कुछ सिखाए डिजिटली ट्रांसफर कर सकते हैं Uh, खराब नहीं होगा मतलब ना फोन के साथ में भी इट इज कैरी बट तो लोग दिल में पेसमेकर भी लेके घूमते हैं so, <laughs> मतलब इट्स नॉट समन लोगों के कान में इम प्लांट लगे होते हैं आंखों में इम्प्लांट लगे होते हैं

तो क्या उनको सिखाएंगे हम उनको सिखाएंगे इमेजिन करना लिखना किस बात पे किन एलिमेंट है? करते हैं ऐसा नहीं हुआ ना कि मैथ खत्म हो गई कैलकुलेटर गया या चैट जीपीटी आने से लैंग्वेज खत्म हो जाएगी इमेजिनेशन इज इंपॉर्टेंट वैल्यूज आर पीपल हु कैन डिस्ट्रॉय मोर देन एनीथिंग एल्स मोर देन मीट्योर मोर एस्टोरॉइड मोर देन वायरस आर ह्यूम हम अपने आप को ही खत्म कर सकते हैं क्योंकि वो शक्ति हमने विजडम जो हमें आ गई है हमें नॉलेज आ गई है हमें तो आता है लेकिन न्यूक्लियर बम को नहीं यूज करना है ये विवेक भी होना wisdom. चाहिए इन्फॉर्मेशन so, तो ट्रांसफर हो जाएगी

सफलता से ही सफलता जो जितना सफल होता है लोग उसके उतने एनिमी हो जाते हैं सफलता और एनिमी गो हैंड इन हैंड हैंड इन और दोस्त नकली दोस्त भी हैंड इन हैंड जाते हैं तो नकली दोस्त दुश्मन और सफलता तीनों साथ बढ़ते हैं लेकिन डॉक्टर कलाम के, के साथ ऐसा क्यों था कि क्योंकि इसलिए था बिकॉज उनकी वैल्यूज अच्छी थी वैल्यू ऑफ काइंडनेस वैल्यू ऑफ स्माइलिंग वैल्यू ऑफ कंपैशन वैल्यू छोटी सी चीज जैसे आप उनके घर जाएंगे तो आपसे

ये ये मुझे सही जगह लेके जाता है है ना ये मुझे सही गाइडेंस देता है ये मुझे सही चीजें बोलने को बताता है ये ये व्यक्ति मेरे लिए बहुत अच्छी रिसर्च करता है छोटी बात है पर बहुत मैटर हाँ, जो आदमी गार्डनर था कंचन उसको क्या बोलते थे ही इज द पर्सन हु ग्रोज दिस फ्लावर्स वाओ वाओ है ना वाव। अब किसी को गार्डनर बोलो माली बोलो या किसी को बोलो कि ये यह फ्लावर्स बनाता है उस आदमी को कैसा लगेगा उसको लगेगा मैं इंपॉर्टेंट हूँ और जब आदमी को किसी भी एम्प्लॉय को भी किसी भी आप तो बिजनेस का भी शो है आपका वेन एम्प्लॉय फील दैट दे आर इम्पोर्टेंट देव ए परेट विच हैज एन देन दे परफॉर्म इंसेंटिव तो दूसरा आपसे बेहतर दे देगा कोई उससे ज्यादा दे देगा दे कोई इससे कम दे देगा दे ये तो दिस इज एन एंडलेस चेंज बट डॉक्टर कलाम वॉज एबल टू इन्फ्यूज इन एवरी सिंगल टीम ही मैंड द आइडिया दैट वॉट यू डूइंग इज वर्थ इट इवन वो व्यक्ति जो झाड़ू लगाता है

ऐसे लोग हो बहुत जबरदस्त टीम हो जबरदस्त टीम हो जो मोटिवेटेड हो जो कहते ना मर मिटने को तैयार हो ऐसे लोग जो पैसे के लिए काम नहीं करते ऐसा तो लोगों को दिखना चाहिए। जब लोगों को पर्पज दिखता है तब मिशन बनते हैं जब मिशन बनते हैं तो विजन्स रियलाइज होती है to, leader, और जो व्यक्ति गार्डन देखता है उसके लिए उस विजन के दूसरे मायने होंगे जो व्यक्ति मिसाइल का पार्ट बनाता है उसके लिए अलग होंगे जो फ्यूल बनाता है उसके लिए अलग होंगे लीडर का काम है इस विजन को ट्रांसलेट करना सबके लिए ये नहीं की एक सेंटेंस डाल दिया विजन मैंने इस पिछले एक घंटे में इतनी चीजें सीखी है ना लेजेट बहुत पॉडकास्ट करे मैंने अभी पर कुछ पॉडकास्ट ऐसे होते हैं जो आपके दिमाग पर छाप छोड़ जाते हैं दिस इज वन ऑफ दम ओके मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू फॉर कॉमिंग सच में मेरे पास अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं हैं, से से कोई but भी एक एक लेते था। चाहता ही कि ना इस कर को, नहीं मैं करूंगा, कुछ अभी इसको बीच में कट करूंगा और एक टारगेट दूंगा ऑडियंस को बिकॉज आई एम डैम श्योर इनको बहुत मजा आ रहा है ठीक है लेकिन एक टारगेट दूंगा 2000 कमेंट्स कम से कम 25000 लाइक्स अगर ये हो जाते हैं ठीक है आपको पसंद आता है तो आप नीचे कमेंट्स करके बताना कि इनको वापस से बुलाना और वापस से अगली बार मैं बुलाऊंगा पूरी सीरीज के साथ कुछ ऐसा करेंगे जैसे मैं पहले भी बोल रहा था आपको कुछ ऐसा करेंगे कि अलग अलग फील्ड्स के लोग बिठाएंगे और उसमें जो कॉन्वर्सेशन निकल के आएगी ना दैट विल बी मतलब अनमैचेबल वो बहुत जबरदस्त कन्वर्सेशन निकल के आएगी तैयार हो आप चलिए चलिए पक्का चैलेंज एक्सेप्टेड इज एनी चांस है लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर कैन क्रिएट ब्लैक होल सी ब्लैक होल्स क्या होते हैं पहले समझना जरूरी है मैंने उसे समझाने की कोशिश करी थी आपको स्पेस टाइम फैब्रिक से ब्लैक होल जो होती है वो बहुत सारा मास बहुत सारा वेट मान लेते हैं मास और वेट रिलेटेड होते हैं लेकिन एग्जैक्टली नॉट द सेम थिंग बट एक बहुत सारा मास अगर एक छोटे से वॉल्यूम में भर दे तो ब्लैक होल बन जाता है चलिए आपके साथ ब्लैक होल बना के देखते हैं ठीक है अभी यहीं बनाते हैं ठीक है सारी पृथ्वी लीजिए पूरी पृथ्वी इतने बड़े हाथ लीजिए कि पूरी पृथ्वी आपके बीच में आ जाए नहीं, नहीं आ पाई मान लेते हैं आपके हाथ इतने बड़े हैं ठीक हाँ, है आपके कोई ब्रह्मा जी के हाथ है ठीक है, है। छोटा है। है? से से जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा नहीं। जब नहीं। ये कंचे के बराबर हो जाएगा यानी सारी पृथ्वी एक कंचे में समा जाए सारा मास पृथ्वी का तो पृथ्वी अपने आप एक ब्लैक होल बन जाएगी बहुत बड़ा मास बहुत सारा मास में हाँ

प्रकाश की स्पीड से, हाँ? से, से चल रहा है हाँ एंड लगभग तीन लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा है हां वैक्यूम में जी बाकी सारी चीजों की से प्रकाश ऐसे चलता है फास्ट फास्ट एकदम यू नो लेकिन ब्लैक होल में ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि प्रकाश इसके पास पहुंचते ही इसी के अंदर घुस जाता है ओ, ओ, ओ और इसीलिए जहां प्रकाश नहीं होता वो क्या होता है ब्लैक ब्लैक काला रंग नहीं है प्रकाश

थोड़े बड़े इसको स्टेलर मास बोलते हैं और मैसिव सुपर मैसिव ब्लैक होल्स जिनको बोलते हैं इनसे शुरू करते हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल्स बहुत बहुत बड़े होते हैं बहुत वजन होता है उनमें और हर एक सुपर मैसिव ब्लैक होल इतना मैसिव और इतना शक्तिशाली होता है कि वो अपने अराउंड एक गैलेक्सी बना देता है अच्छा हमारी अपनी गैलेक्सी के मध्य में

हमारी मिल्की वे में घूम रहे हैं और हर एक गैलेक्सी के अंदर एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है इट्स द मोस्ट फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स इससे छोटे छोटे होते हैं थोड़े स्टेलर वाले होते हैं थोड़े उतने बड़े नहीं होते हैं थोड़े छोटे होते हैं वो काफी खतरनाक होते हैं क्योंकि वो अगर किसी सूरज के पास पहुंच गए तो वो सूरज को अपने अंदर सक कर लेते हैं पूरा मास निकल जाता है उनके अंदर से एकदम स्ट्रॉ की तरह खत्म फिनिश्ड और वही लेकिन हमें पता लगता है कि ये ब्लैक होल है क्योंकि ये जो मरते हुए सूरज होते हैं जिनके अंदर से मटेरियल निकाल करके ब्लैक होल शख कर लेता है वो ब्लैक होल के चारों ओर एक बार नाच जाते हैं कुछ बार और वो वही ब्लैक होल का हमें सिग्नल मिलता है कि ये ब्लैक होल है देखो ये ब्लैक होल है नहीं तो अंतरिक्ष में दिखा कैसे आपको वो तो काला है फिर छोटे ब्लैक होल होते हैं जो जैसे धरती को मैं ब्लैक होल बना दूं और उससे भी छोटे ब्लैक होल होते हैं जो बिल्कुल ही छोटे होते हैं लेकिन वो बहुत कम देर के लिए खुलते हैं और बंद हो जाते हैं वो इतने बड़े भी नहीं होते हैं छोटे छोटे

हम शायद आज से 200 300 400 साल बाद खुद बना लेंगे बिकॉज ऑफ द एनर्जी एनर्जी इतनी होनी चाहिए तो ये जो जो लार्ज हाइड्रॉन कलडर की आप बात कर रहे हैं ये ऐसी चीजें हम ऐसी चीजें बात कर रहे हैं कि क्या इससे हम ब्लैक होल बना देंगे छोटे छोटे और अगर ऐसा बना देंगे तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा तो वी डोंट रियली नो एक थ्योरी ये कहती है कि छोटे छोटे ब्लैक होल बनते हैं और बिगड़ते रहते हैं दुनिया भर में hmm. ब्रह्मांड में और पता भी नहीं चलता एक थ्योरी ये कहती है कि अगर ऐसे बनेंगे तो जैसे ही बनेंगे धरती समाप्त हो जाएगी तुरंत तो एज ऑफ नाउ अगर ऐसा होना होता तो तब तक हो चुका होता hmm. तब तो तक नहीं हुआ है तो मतलब लार्ज जो एल है स्विट्जरलैंड में जो है एटलीस्ट वो तो नहीं बना पाएगा बट इवेंचुअली हमें बनाने पड़ेंगे आज से 300, 500 साल बाद हमें ब्लैक होल बनाने की जो कला है उसमें माहिर होना पड़ेगा क्योंकि अदरवाइज आप कैसे जाओगे आपको यहां से जाना है एंड्रोमाटा गैलेक्सी जहां प्रकाश को जाने में भी hmm. हजारों साल लगते हैं सैकड़ों हजारों साल लगते हैं आप एक इंसान के रूप में वहां तक जाके पोर हो जाओगे कब तक चलते रहोगे तो इससे अच्छा यहाँ पे ब्लैक होल खोलो जो वहां भी उससे करे ये तो, हो गया, हो तो यही करना पड़ेगा नहीं उड़ जाएंगे के से जाते जाएं। मैंने आपको बोला ना कि इसलिए कार्बन बॉडी का कुछ करना पड़ेगा क्या होगा अल्टीमेटली आसान प्रॉब्लम है आपको क्या है व्हाट आर यू यू आर कलेक्शन ऑफ एक नाम है जो आपको याद है

जिससे आप कम से कम पाँच साल तो जी पाओगे मान लीजिए आइंस्टाइन पाँच साल जीता आधी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं हमारे अगर आर्यभट्ट पांच साल जीते तो पता नहीं हमारी दुनिया कहाँ पहुंच चुकी होती mm. तो वी हैव टू फर्स्ट स्टेप ये है सेकेंड स्टेप ये है कि कार्बन बॉडी को ही हम त्याग दें और कार्बन बॉडी को हम कपड़ों की तरह पहने और उतार दें और मेमोरी को स्टोर कर सकें डिजिटल डिवाइड में डिजिटल ब्रिजेस में और फिर हम ब्लैक होल्स को खोलना और बंद करना सीख जाएं और जो उनके बीच में जो ब्लैक होल के बीच में जो हमने बोला वर्म होल्स यानी कि आइंस्टाइन ब्रिजेस वो हम बनाने तो ब्रह्मांड के एक जगह से दूसरी जगह हम छलांग लगाएंगे इन नो टाइम और हम कहीं और निकल जाएंगे और फिर वापस आ जाए अब प्रॉब्लम ये है कि ब्लैक होल खोलने के लिए थोड़ा मुश्किल है आसान नहीं है बट आसान तो आईफोन बनाना भी नहीं था ये पॉडकास्ट कुछ लोगों को बहुत मोटिवेट कर देगा कुछ लोग इतना डीमोटिवेट होकर बैठेगा कि भाई मैं जो कर रहा हूं मैं क्यों कर रहा हूं

ऐसा क्या है ब्रह्मांड में कि ब्रह्मांड एक ही होगा और लगता भी नहीं है कि होगा ऐसा क्योंकि जितना आप जितनी भी चीजें आप में टेबल चेयर कुर्सी कैमरा जो लोग देख रहे हैं वो लोग उनके कंप्यूटर्स सूरज चांद सब कुछ सब मैटर है मैटर से छह गुना डार्क मैटर है डार्क मैटर भी क्वेश्चंस पूछने थे मुझे छह गुना है यानी ये तो हमें पता भी नहीं क्या है बट इसकी ग्रेविटी है लेकिन कहां है किधर है पता ही नहीं है और इससे भी चार गुना डार्क एनर्जी है उसके बारे में तो कुछ भी नहीं पता है लेकिन पॉइंट यह है कि हम जिस सब कुछ जो जानते हैं वो तीन चार परसेंट में ही है मैटर बाकी सब छियानबे फीसदी डार्क एनर्जी और डार्क मैटर है कहा है पता नहीं हो सकता है ये पैरल यूनिवर्सिज में हो सकता है ये मल्टीवर्से पैरल यूनिवर्सिस एग्जिस्ट कर रहे हैं और अगर ऐसा है तो क्या किसी यूनिवर्स में मैं और आप ऐसे ही बैठे हुए हैं और कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं और क्या जो हम बात कर रहे हैं क्या वही चीज़ वहां भी एग्जैक्टली रिकॉर्ड होकर के रेप्लीकेट हो रही है या क्या अगर मैं कुछ अलग करूंगा तो क्या वो भी अलग हो जाएंगे या वो कुछ अलग करेंगे तो मैं अलग हो जाऊंगा आर वी इसको बोलते हैं क्वांटम इंटेंगलमेंट सो और क्वांटम इंटेंगलमेंट इज ट्रू वी नो दैट एटलीस्ट नॉट मल्टीवर्स बट वी नो क्वांटम इंटेंगलमेंट इज ट्रू बिकॉज क्वांटम कंप्यूटर्स जो बना रहे हैं दुनिया के कई देश बन चुके हैं आई ने बनाया भी है ऑलरेडी इंडिया भी काम कर रहा है चाइना भी काम कर रहा है बहुत दूर, ब्रह्मांड ब्रह्मांड में, में। में या और इन दोनों में आपस में एक लिंक है जो इसके साथ होता है वही इसके साथ होता है कैसे होता है पता नहीं किस स्पीड से होता है ये भी नहीं समझ में आता लेकिन होता है एंड वी अनडिस्प्यूटेड

वो गॉड पार्टिकल की वजह से है। तो इसका मतलब किसी भी चीज में अगर मास है तो उसमें गॉड पार्टिकल का कुछ स्थान है कुछ प्रेजेंस है तो इट्स इट्स एन इंडियन बाय बोस एंड आइंस एंड बोजॉन इज अट्रैक्ट कर रहा हूँ ग्रेविटी से आप मुझे कर रहे हैं पता कैसे चल रहा है कैसे पता लगा? मैं तो ऐसे नहीं खींच रहा आपको। नहीं रहा। कैसे खींच लिया आप आप कैसे आ रहे हो मेरी तरफ? अर्थ कैसे अट्रैक्ट कर ले रही है कैसे पता कैसे, लगा को? एक positive, uh, का, कैसे पता चला तो कैसे पता चलता है किसी ब्रह्मांड में पार्टिकल्स को ये कैसे पता लगता है कि इससे मेरा कोई नाता है रिलेशनशिप कैसे बनती है जैसे आप रिलेशनशिप स्टेटस बनाते हैं ना कि मदर है फादर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी बनाते हैं रिलेशनशिप है दो एंटिटीज़ में ये रिलेशनशिप स्टेटस कौन अपडेट करता है कैसे बताता है पता कैसे चलता है दैट इज ऑल बोजॉन्स एंड वॉट यू गॉड पार्टिकल आई टेक यू टू देन वो एंड सेन्स इज एन इंडियन कॉन्सेप्ट पता ही नहीं किसी है किसी को और अब वो भी नहीं कि इतिहासिक है पचास साठ साल पुरानी बात है एंड इट्स द बिगेस्ट थिंग विच

अगर आपके दिमाग में कुछ भी सवाल आते हैं तो आप भी अपने कमेंट्स के अंदर सारे सवाल लिखना जो भी रेलेवेंट क्वेश्चंस लगेंगे अगली बार मैं और भी पूछूंगा इनसे और अगली बार थोड़ा लंबा होगा सर दो चार घंटे का होगा उसको पार्ट्स पार्ट्स में डालेंगे हम थैंक यू सो मच थैंक यू लवली लवली यू